ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। कहते हैं जो दिख जाए वो सच है और जो हो के भी ना देखे वो रहस्य। कुदरत में न जाने ऐसे ही कितने रहस्य हैं। बचपन में दादी से दूर गांव की पुरानी हवेली में रहने वाली डायन की कहानी तो हम सब ने सुनी है, पर क्या ये डायन, ये चुड़ैल, ये प्रेतात्मा वाकई होती भी हैं? आपको शायद मेरी बातें मजाक लगे, पर क्या करेंगे आप अगर आपका सामना ऐसी ही किसी लंबे बाल वाली, हरी हरी आंखों वाली और उल्टे पैरों वाली डायन से हो जाए। मैं डॉक्टर नागर, पेशे से मनोवैज्ञानिक और पैशन से ह्यूमन माइंड का फैन, हर रात आपके पास लेकर आता हूँ मुझसे मिले कुछ लोगों की आप बीती, कुछ घटनाएं जिन्हें सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आज हम सुनेंगे पुरानी दिल्ली में रहने वाले असलम मिर्जा की दास्तान। असलम, जिन्हें लगता था कि डायन और चुड़ैल सिर्फ किस्से कहानियों में होते हैं शायद। पांच दिसंबर सन 1997, उन दिनों हम अलीगढ़ में रहा करते थे। मैं अपनी बीवी शाहीन को स्टेशन छोड़ने जा रहा था, वो दिल्ली में अपने मायके जा रही थी। ट्रेन करीब 5 बजे की थी और स्टेशन ज्यादा दूर नहीं था, फिर भी हम 3 बजे घर से निकले। बहुत कोहरा था उस दिन, एकदम विजिबिलिटी नहीं थी, मेरा एकदम भी मन नहीं था कि वो जाए। पता नहीं क्यों, पर इस बार कुछ अजीब लग रहा था, कुछ तो था जो खटक रहा था। हम स्टेशन पहुंच गए थे, ठंड काफी ज्यादा थी, मैंने शाहीन को ट्रेन में बिठा दिया था। चलिए अब जाइए, मैं चली जाऊंगी, ठंड काफी है और वैसे भी अब्बा मुझे लेने आ रहे हैं ना। ओफो, मेरा मन नहीं कर रहा है जाने का, और अभी आधे घंटे हैं ट्रेन के जाने में। आप भी ना, ऑफिस नहीं जाना है क्या? और देखिए नमाज का भी टाइम हो रहा है। चलिए अब जाइए, मैं पहुंच के अब्बा से फोन करवा दूंगी, कहा ना। उन दिनों मोबाइल फोन सबके पास नहीं होते थे, सिर्फ लैंडलाइन होता था, तो आप किसी को भी किसी भी पल फोन नहीं कर सकते थे। फिलहाल मैं स्टेशन से निकला, कोहरा और गहरा हो चुका था, जाड़ों में सवेरा वैसे भी देर से ही होता है, ठंड काफी थी, मैं कांप रहा था। मैं गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट की, कुछ भी नहीं दिख रहा था। अचानक बीच रास्ते में मेरी कार के आगे वाले टायर से अजीब सी आवाज आई और कार एकदम से डिसबैलेंस हो गई। मैंने जल्दी से ब्रेक लगाया और हिम्मत करके गाड़ी से उतरा, आगे वाला टायर पंचर था। या अल्लाह, इसे भी अभी खराब होना था। गाड़ी पुराने कब्रिस्तान के पास खराब हुई थी, पुराने अंग्रेजों के जमाने का कब्रिस्तान था वो, जो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता था। वैसे तो मैं भूत प्रेत के किस्सों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता था, पर उस दिन ना जाने मुझे क्यों थोड़ा डर लग रहा था। मेरी गाड़ी की डिक्की में एक स्पेयर टायर पड़ा हुआ था, मैंने जैसे ही डिक्की खोली अचानक गाड़ी का आगे वाला दरवाजा खुला और बंद हो गया। मैं चौंक गया, मैंने तुरंत आगे जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। मैंने गाड़ी के अंदर देखा तो वहां भी कोई नहीं था। मुझे कुछ ज्यादा ही डर लग रहा था। टायर चेंज करने के लिए जैसे ही मैं आगे गया तो क्या देखता हूं कि टायर तो पंचर ही नहीं था।
मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर ये कैसे हो सकता है? मेरा सर घूम रहा था, शायद मुझे वहम हुआ था या मैं नींद में था, पर फिर भी ये कैसे हो सकता है? मुझे लगा कि मुझे यहां से जल्दी निकलना चाहिए। मैं गाड़ी में बैठा, मैंने गाड़ी स्टार्ट की, एक अजीब सी स्मेल, एक अजीब सी दुर्गंध थी मेरी कार के अंदर। मैं जल्दी जल्दी घर पहुंचा। घर पहुंचकर जैसे मैंने कार पार्क की और मैं अपने दरवाजे की तरफ आगे बढ़ा, तो फिर से कार के डोर के खुलने की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा, क्या हो रहा था ये? कोई नहीं था वहां पे। मैं तुरंत घर के अंदर घुसा और मैंने दरवाजा बंद कर लिया। मैंने एक लंबी सांस ली। उस भयंकर ठंड में मुझे पसीने आ रहे थे। सवेरा हो गया था, ऑफिस का भी समय हो रहा था। मैं जैसे ही नहाने के लिए बाथरूम में घुसा, अचानक से डोरबेल के बजने की आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला तो क्या देखता हूं, अरे शाहिन, तुम ट्रेन पे नहीं चढ़ी? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? और ये तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है? और तुम मुझे हेलो, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? अरे कुछ बोलती क्यों नहीं भाई? नहीं, कुछ नहीं, वो मेरा मन नहीं किया, अजीब लग रहा था, सो मैं ट्रेन से उतर गई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? चलो डॉक्टर के यहाँ चलते हैं। नहीं, अरे कहीं नहीं जाना है मुझे। अच्छा ठीक है, मेरा मन भी नहीं था कि तुम जाओ। चलो मैं अब्बा को फोन कर देता हूँ कि तुम नहीं आ रही हो, नहीं तो वो परेशान होंगे। कुछ नहीं करोगे तुम, कुछ नहीं करोगे तुम। क्या हो गया शाहिन, कैसे बोल रही हो तुम? नहीं, वो मेरा मतलब था कि मैंने स्टेशन से उन्हें फोन कर दिया था। अच्छा, ये लो, ये फोन भी डेड है। पता नहीं क्यों, पर मुझे उसमें कुछ अजीब सा लग रहा था। ये वही शाहिन थी जिसे मैं कुछ देर पहले स्टेशन छोड़कर आया था। वो खुद ही तो घर जाना चाहती थी, उसने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया था। यही सब सोचते सोचते मैं उस दिन ऑफिस आया। काम में मन नहीं लग रहा था। शाम जैसे ही हुई मैं घर आ गया। घर अंदर से बंद था। मैंने कई बार डोरबेल बजाई, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मुझे अब टेंशन हो रही थी। मैं खिड़की की तरफ जा ही रहा था देखने की, अचानक से मैंने देखा कि शाहिन मेरे पीछे खड़ी थी। असलम, शाहिन, तुम बाहर हो तो दरवाजा किसने अंदर से बंद किया? रुको, मैं पीछे के दरवाजे से जाता हूँ। ओके, ये सब क्या हो रहा था मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज सवेरे मैंने नमाज भी नहीं पढ़ी थी। मैंने अंदर से दरवाजा खोला। मैंने सोचा कि शाम की नमाज का वक्त है, शायद ऊपर वाला ही कुछ राह दिखाए। मैंने शाहिन से बोला कि शाहिन जरा कुराने पाक देना। पागल हो गया है, कुराने पाक मंगवा रहा है मुझसे? नहीं असलम, दिमाग खराब हो गया है। ये सुनते ही जैसे उसकी रगों में खून दौड़ गया, उसकी आंखें पड़ी हो गई, चेहरा लाल हो गया, और वो ना जाने किस तरह से पता नहीं क्या क्या बड़बड़ बड़बड़ करने लगे। कुराने पाक का नाम सुनते ही जैसे उसे करंट लग गया, वो मुझसे थोड़ी दूर चली गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा था। मैंने कहा, शाहिन तुम ठीक तो हो? मैं पानी लाकर देता हूँ तुम्हें। नहीं, वो बस तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये बोलते ही वो जोर जोर से हंसने लगे। अजीब सी भयानक हंसी, और रात तो जैसे तैसे कट गई। अगले दिन मैं उठा तो वो मेरे सामने बैठी थी। मैंने पूछा,
तुम सोई नहीं? मैं सोती नहीं हूँ। ये कैसे अटपटे जवाब दे रही थी वो? कुछ तो गड़बड़ थी। मैं बाहर गया और तुरंत मैंने शाहिन के घर दिल्ली में फोन लगाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी, मैं असलम। सलाम असलम बेटा। बेटा हम कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहे हैं पर मिल ही नहीं रहा। शाहीन ठीक ठाक पहुंच गई है, रुको अभी बात करवाते हैं। शाहीन, तो वो, या अल्लाह, मेरे तो पांव के नीचे से जमीन सरक गई। ये सब क्या हो रहा था? अगर शाहीन वहां है तो आखिर ये कौन था? अगर ये सच है तो वो क्या था? तभी फोन पर दूसरी तरफ से शाहीन की आवाज आई। हेलो, क्या मुझे एक दिन हुआ गए और आप इतनी जल्दी भूल गए? एक फोन तक नहीं हुआ ना आपसे? और ये घर के फोन को क्या हुआ है? हेलो, कहाँ हो आप? शाहीन, हेलो शाहीन, सुनो, तुम कैसे भी करके अगली बस से यहाँ अलीगढ़ आ जाओ, अभी 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 तुरंत। क्या हुआ असलम, सब ठीक तो है ना? शाहीन बस प्लीज तुम अगली बस से आ जाओ, मैं बाद में बताऊंगा, अभी बात करने का समय नहीं है, प्लीज। अच्छा ठीक है। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अचानक मुझे याद आया कि शाहीन एक पीर बाबा के पास काफी जाती है, पुरानी मस्जिद के पीछे। क्यों ये तो नहीं जानता, पर मैं भागते हुए उधर गया। बाबा ने मुझे पहचान लिया था। बाबा को मैंने सब कुछ साफ साफ बता दिया। फिकर मत कर बच्चा, अल्लाह हम सब का इम्तिहान लेता है, तू पाक बंदा है, आ देखते हैं किस रूह का साया है तुझ पर और तेरे घर पर। मैं बाबा के साथ चल दिया। शाहीन को फोन किए काफी टाइम हो चुका था, मैं उसे अकेले घर नहीं जाने देना चाहता था, सो मैं पहले बस अड्डे गया। जब मैं, शाहीन और बाबा घर पहुंचे, दरवाजा खुला था। जैसे ही हम घर में घुसे, दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया और घर की सारी खिड़कियां एक के बाद एक करके बंद हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, सदाकल्लाहु लज़ीम। ऐ रूह, तू जहां कहीं भी है सामने आ, इस जहां से अब तेरा कोई वास्ता नहीं, परवरदिगार से डर, आ इन नेक बंदों को और परेशान न कर, मैं तुझे हुक्म देता हूं, आ सामने आ। जैसे ही बाबा ने यह बोला, एक औरत के जोर से हंसने की आवाज आने लगी। और शाहीन की हमशक्ल औरत हमारे सामने आकर खड़ी हो गई, जो देखते देखते एक भयानक डायन में बदल गई। हरी आंखें, बड़ा सा चेहरा और लंबे बिखरे बाल। वो चेहरा मैं आज तक नहीं भूल सका। अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और तेज तूफानी बारिश भी शुरू हुई। तुम इतनी आसानी से मुझे नहीं भेज सकते, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जाना तो तुझे पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु सदाकुल अजीम, अल्लाह। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं। असलम बचाओ मुझे, असलम बचाओ मुझे, खुदा के वास्ते मुझे बचा लो। उस डैन ने शाहीन को पकड़ लिया था, वो उसके कांधे पर चढ़कर बैठ गई थी। मैं उसकी तरफ भागा, लेकिन बाबा ने तुरंत मुझे पकड़कर डाइनिंग टेबल पर रखा चाकू मेरे गले पर लगा दिया और धीमे से कान में बोले, रुक, चुप खड़ा रह। ऐ रूह, अगर तूने उस मासूम बच्ची का बाल भी बांका किया तो मैं इस बंदे का सर अलग कर दूंगा, तुझे ये कभी ना मिलेगा, जो तू चाहती है
तड़प तड़प कर मरेगी तू हमेशा। छोड़ दे उस बंदी को। उस डैन ने बाबा की तरफ गुस्से से देखा और शाहीन को छोड़ दिया। शाहीन जमीन पर गिर पड़ी और डैन बाबा की तरफ पड़ने जैसे ही वो बाबा के पास आई, बाबा ने तुरंत मुझे छोड़ दिया और अपने झोले से एक छोटी सी बोतल निकाली। या अल्लाह। और बाबा ने बोतल बंद कर दी। बंद करते ही बाबा पास रखी एक चेयर पर गिर गए। हम दोनों भागते हुए बाबा के पास गए। बड़ी मुसीबत टल गई बच्चा। ये तावीज तुझे हमेशा पहनना है और इस घर को जल्दी खाली कर दे। ये रोज ज्यादा वक्त इस बोतल में नहीं रहेगी। या अल्लाह, शुक्र है तेरा। जिन बातों, किस्सों, तथ्यों को हम स्वीकार नहीं कर सकते, उन्हें नकारने का भी हमारे पास कोई हक नहीं है। पर सबसे बड़ा सवाल जो मन मानना नहीं चाहता, वो कि ये जो असलम के साथ हुआ, क्या वो सच था? खैर, मैं डॉक्टर नागर कल रात आपसे फिर मिलूंगा एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर माइंड। गुड नाइट।